जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी और वक्त हो चला है शुभ समाचारों का। दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू कहर बरपा रहे हैं। चिकनगुनिया से होने वाले जोड़ों के दर्द से मरीज बेहद परेशान रहते हैं। दर्द कम करने के लिए पेन किलर और एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिनको ज्यादा वक्त तक लेने से शरीर पर बुरा असर हो सकता है। मरीजों को चिकनगुनिया में होने वाले जोड़ों के दर्द से बचाने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल का यूनानी मेडिसिन विभाग मरीजों को एक विशेष किट दे रहा है। डॉक्टरों का दावा है कि ये यूनानी दवा 90 दिन तक लेने से जोड़ों में होने वाला दर्द पूरी तरह से चला जाएगा, और यही है हमारी पहली अच्छी खबर। चिकनगुनिया ने दिल्ली को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के फीवर क्लिनिक पहुंचे राम वृक्ष को पिछले एक हफ्ते से बुखार है। राम वृक्ष को चिकनगुनिया है या नहीं, इसके लिए डॉक्टरों ने उसे टेस्ट की सलाह दी है। रात से बुखार हुआ, पूरे बदन में दर्द है और घबराए घबराए से है। तो यहाँ पर लेके आए, पहले ECG डॉक्टर को दिखाए, तो ECG हुआ है और मलेरिया का जांच हुआ है। अभी ये बहुत लोग चढ़ रही है और दो इंजेक्शन लगाए गए। चिकनगुनिया एक तकलीफ देह मर्ज है जो मच्छर के काटने से होता है, जिसमें बुखार के साथ शरीर के जोड़ों में तेज दर्द रहता है। कई बार दर्द बेहद तेज और बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ये रोग 5 से 7 दिन तक रहता है, लेकिन इसकी वजह से जोड़ों का दर्द महीनों या हफ्तों तक बना रह सकता है। ऐसे में राम मनोहर लोहिया अस्पताल से चिकनगुनिया के मरीजों के लिए दर्द से राहत देने वाली खबर आई है। चिकनगुनिया के मरीजों को अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनानी दवाई से चिकनगुनिया का दर्द हो जाएगा गायब। RML अस्पताल के यूनानी मेडिसिन विभाग ने यूनानी दवाइयों की विशेष किट तैयार की है। इसमें बुखार से लेकर जोड़ों के दर्द तक की दवाएं शामिल हैं। डॉक्टरों का दावा है कि इस विशेष किट में मौजूद दवाएं लेने से चिकनगुनिया का तकलीफ देह असर शरीर से निकल जाएगा और जोड़ों का दर्द भी खत्म हो जाएगा। इसमें ऐसी दवाएं हैं जो मतलब है कि कोई उसका ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जिससे किसी को परेशानी का सबब बने। खास तौर से हब्बे असगंध है, यानी गोलियां होती हैं, हब्बे सुरंजान है, तुलसी के पत्ते हैं, गिलोय है, अफसंतीन है, और ऐसे ही जो है खमीरा मरवरी, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है इसमें, उसको दुरुस्त करने के लिए ये दवाएं दी जाती हैं। और इससे बहरहाल हम सभी काफ़ी यानी मुतमईन हुए और लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है बड़े पैमाने पर। चिकनगुनिया में जोड़ों में सूजन आ जाती है। मरीज के जोड़ों में लंबे अरसे तक दर्द रह सकता है। इसके लिए पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं, जिनको ज्यादा वक्त तक लेने से भी शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में यूनानी दवा लेने से साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। वायरल इफेक्ट कोई भी हो, कोई डिजीज हो, जब भी जो भी बीमारियां होती हैं वायरल इफेक्ट, यानी जब वायरल फीवर हो, चाहे फ्लू का हो, चाहे चिकनगुनिया हो या डेंगू वगैरह, इस तरह के मरीजों के लिए जो है सबसे ज़रूरी होता है कि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। और ये कोई फ्लू नई चीज़ नहीं है, अलबत्ता है कि नए नए नाम देकर लोग डरते घबराते हैं, तो उस घबराहट को दूर करने का हमने कोशिश किया है, पब्लिक इससे परेशान ना हो, बाकी हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जिम्मेदारी सब निभाएं। डॉक्टरों का दावा है कि 90 दिनों तक इन दवाओं के इस्तेमाल से शरीर पर पड़े चिकनगुनिया के सभी बुरे प्रभाव पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। जोड़ों का दर्द खत्म हो सकता है और दोबारा दर्द नहीं होगा, ऐसा भी डॉक्टरों का दावा है। डॉक्टरों का ये भी दावा है कि दवा का असर 7 दिन में दिखने लगेगा। चूँकि बहुत शदीद होता है और इसी वजह से हर आदमी परेशान होता है, उठना बैठना दुश्वारी उसको होती है, तो इसमें राहत का 2-3 दिन में शुरू हो जाती है। जी, और ये सिलसिला तकरीबन यानी बड़ी तादाद है मरीजों की, वो 1 हफ्ते में आराम मिल गया उनको। इस दवा को तैयार करने के लिए पूरी 1 साल तक रिसर्च की गई, 300 मरीजों को दवाएं दी गई। फिलहाल अस्पताल ने इस दवा की मंजूरी के लिए हिपोक्रेटिक मेडिकल जर्नल को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
और रेल मुसाफिरों को जिस हम सफर का बेसब्री से इंतजार है, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि रेल मंत्रालय की नई सौगात हम सफर ट्रेन रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बनकर तैयार है और बहुत जल्द ये आपके सफर का साथी बन पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। क्या खास है रेलवे के इस हम सफर ट्रेन में, देखिए कपूरथला से हमारे संवाददाता समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट। दिवाली से पहले रेल मुसाफिरों के लिए रेलवे की नई सौगात, नाम है हम सफर ट्रेन। इस हम सफर ट्रेन का वादा रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में किया था और इस वादे को रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने पूरा कर दिया है। कंप्लीट थर्ड एसी ट्रेन हम सफर बनकर तैयार है। एक तो जो हम सफर रेक बनेगा जिसमें 19 कोच रहेंगे, वो पूरा एसी 3 टायर होगा ना, उसमें एसी फर्स्ट होगा ना एसी 2 होगा। और एक जैसे गरीब रथ हो तुरंत है, उस तरह से एक स्पेशल ट्रेन रहेगी और ये मोस्टली नाइट जर्नी के लिए यूज होगी। हम सफर ट्रेन देखने में जितनी खूबसूरत है, इसमें सफर उतना ही आरामदायक है। हम सफर ट्रेन का एक्सटीरियर यानी बाहर का लुक बेहद दिलकश और अलग है। इस लुक के लिए रेलवे ने विनाइल शीट का इस्तेमाल किया है। हम सफर में बॉडी पेंट के बदले विनाइल शीट्स का इस्तेमाल हुआ है। विनाइल शीट्स साफ करने और रखरखाव में आसान है और 6 साल तक लुक बरकरार रहता है। आरसीएफ कपूरथला में हम सफर कोचेस बनके तैयार हैं और बहुत जल्द ये पटरियों पर यात्रियों के साथ सफर करते हुए नजर आएंगे। इन कोचेस का अंदाज अलग है, खास है। एक्सटीरियर लुक विनाइल शीट का इस्तेमाल किया गया है, डिजाइनर शीट्स हैं और अलग से ही आपको पता लगेगा कि आप बेहद खास गाड़ी में सवारी कर रहे हैं। पूरी तरह से थर्ड एसी ट्रेन हम सफर नए जमाने की ट्रेन होगी, जिसे हर अहम पहलू को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें सभी कोच LHB कोचेस हैं। नई नवेली हम सफर ट्रेन के सभी कोचेस LHB होंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि जो राइडिंग एक्सपीरियंस होगा ट्रेन में यात्रियों का, वो काफी बेहतर होगा, साथ ही जो सीटिंग स्पेस है वो भी काफी होगी। ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने जर्मन से 1985 में ली थी और उसी के अनुसार हम लोग कोच बना रहे हैं। इस कोच की खासियत ये है कि इसकी पोटेंशियल 200 kmph तक है। अगर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए टेक्निकली, तो ये 200 kmph तक चल सकता है। हम सफर का लुक जितना दिलकश है, इंटीरियर उतने ही सफर को आरामदायक बनाने वाले हैं। केटरिंग के लिए अलग से जगह दी गई है, रेडी टू ईट मील्स से लेकर वेंडिंग मशीन्स हैं, जिसके जरिए कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स तक रेल यात्री टोकन के जरिए खरीद सकते हैं। टॉयलेट में ऑर्डर डिस्पेंसर्स और बायो टॉयलेट लगे हैं। डस्टबिन से लेकर वॉश बेसिन तक में यूजर फ्रेंडली डिजाइन हैं। नई नवेली थर्ड एसी ट्रेन हम सफर में यात्री सुविधाओं के लिहाज से क्या कुछ खास है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसकी सीट्स कुशनिंग काफी बेहतर की गई है ताकि आपके यात्रा का अनुभव उसको बेहतर बनाया जा सके, सुखद बनाया जा सके। दूसरा एक अहम पहलू, कर्टेंस यानी कि पर्दे का इस्तेमाल किया जाएगा। हम सफर में थर्ड एसी ट्रेन से पर्दे हटा दिए गए थे, लेकिन हम सफर के जरिए इनको वापस लाया जा रहा है ताकि प्राइवेसी बरकरार रहे। हेडरेस्ट यानी कि जो अपर बर्थ में लोग सफर करते हैं, उनको हेडरेस्ट का बहुत प्रॉब्लम आता है, ऊपर जगह कम होती है, उसमें सुधार किया गया है डिजाइन में ताकि आपको ऊपर ठीक ठाक जगह मिल जाए। यही नहीं, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जो कि आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है और इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। हम सफर के कोचेस में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दोनों तरफ दिए गए हैं। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाया गया है, ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगातार सफ़र के दौरान अगला स्टेशन कौन सा है या फिर कौन सा स्टेशन बीत गया है, जो भी ज़रूरी सूचनाएँ हैं वो इस स्क्रीन पर दी जाएंगी यात्रियों को। और ये GPS बेस्ड सिस्टम है जिसमें लगातार रियल टाइम बेसिस पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन लाइट में ही एक और बहुत ज़रूरी उपयोग यहाँ पर किया गया है। अभी जो लाइट आप देख रहे हैं ये लगातार यूँ जल रही है, लेकिन जब रात का वक्त आएगा तो बिल्कुल एयरक्राफ्ट की तर्ज पे यहाँ पे नाइट LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। हर कोच में 6 CCTV कैमरा लगाए जाने का प्रावधान है और ये पूरी गैलरी से लेकर कोच में एंटर करने की हर गतिविधि पर ये क्लोज सर्किट कैमरा नज़र बनाए रखेंगे ताकि कोई भी घटना पर जो है डिटेल रिपोर्टिंग रेलवे को मिल सके। हम सफर कोच में अहम बदलाव किए गए हैं, जिसके जरिए आपके अच्छे सफर के सपने को हकीकत में तब्दील किया जाए।
तो बस बहुत जल्द आपका इंतजार खत्म होगा इस नए जमाने की हम सफर में सफर करने का, क्योंकि अक्टूबर में ही हम सफर पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। समीर दीक्षित, जी मीडिया, कपूरथला। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय ने तलब किया था। अब्दुल बासित को उरी हमले के बाद विदेश मंत्रालय बुलाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय बुलाया गया और ये तस्वीरें अभी हमारे पास आ रही हैं।